लेट्स टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑफ एक्साइज सेवेंटीन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज द रेन वॉटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ फोर्टी फोर मीटर इंटू ट्वेंटी मीटर ड्रेन इंटू अ सिलेंट्रिकल टैंक वो कह रहा है रेन वॉटर जो कि रूफ पे है उसकी डायमेंशन है जितना पानी है दैट इज फोर्टी फोर मीटर इंटू ट्वेंटी मीटर है वो ड्रेन किया गया निकाला गया सिलेंड्रिकल टैंक में जिसका डायमीटर ऑफ बेस है फोर मीटर एंड हाइट इज़ थ्री पॉइंट फाइव मीटर इफ़ द टैंक इज़ जस्ट फुल और टैंक जस्ट फुल ही है तो देन फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर तो हमें बताना है कि कितनी सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है तो हमें पता है जो हमारा रूफ होता है वो एज अब फॉर्म में होता है अगर हम उसके ऊपर का देखें देखिए देखिए ये एक काइंड की हमारी रूफ है और इस पर वाटरफिल है राइट right? उसकी डायमेंशन दे रखिए फोर्टी फोर मीटर इंटू ट्वेंटी मीटर तो मान लीजिए ये फोर्टी फोर मीटर है और ये ट्वेंटी मीटर है और वो बोल रहा है कि हमें ये बताना है कि कितनी ऊंचाई तक पानी भरा है कितनी हाइट पे तक पानी भरा है तो हमें हाइट निकालनी है कितनी रेनफॉल हुई है हमारी रूफ पे तो हमारी लेंथ दे रखी है देखिए लेंथ दे रखी है ऑफ रूफ दैट इज फोर्टी फोर मीटर ब्रेथ दे रखी है रूफ की ट्वेंटी मीटर और हमें हाइट निकालनी है तो हम लेट कर लेते हैं लेट द हाइट ऑफ रेनफॉल एच सेंटीमीटर्स में कह रहा है निकालने के लिए तो हम बाद में उसको सेंटीमीटर्स में कर देंगे फिलहाल हम मीटर में लिखते हैं यूनिट राइट right? अब क्या कह रहा है इसका पानी जितनी भी रेनफॉल हुई वो सिलेंड्रिकल टैंक में हमने खाली कर लिया और वो जस्ट फिल था जस्ट फुल था तो जिसका डायमीटर है फोर मीटर और हाइट है थ्री पॉइंट फाइव मीटर इसका डायमीटर है सिलेंड्रिकल टैंक का फोर मीटर और हाइट है हमारी थ्री पॉइंट फाइव मीटर राइट तो कैसे निकालेंगे देखिए हम डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक टैंक इज़ फोर मीटर तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना हो जाएगा डायमीटर का आधा दैट इज़ फोर डिवाइडेड बाई टू टू मीटर आ गया और हाइट कितनी हो गई हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक हमें दे रखी है थ्री पॉइंट फाइव मीटर तो अब ये पूरा फिल्ट था और इसको इसमें खाली कर दिया गया है राइट और हमें इसकी हाइट निकालनी है तो वॉल्यूम कितना आया वॉल्यूम ऑफ रूफ रूफ कहें या क्यूबॉयड बात एक ही है क्योंकि ये क्यूबॉयड की शेप में है तो हमने क्या किया क्यूबॉयड का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है लेंथ इंटु ब्रेथ हाइट तो लेंथ हमें पता है 44 मीटर है ब्रेथ हमें पता है 20 है और हाइट को हमने एच माना था तो ये कितना आ गया एट एट जीरो एच मीटर क्यूब है राइट right? अब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ रूफ है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल है अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया दैट इज सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वाच पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन आर अभी अभी निकाला हमने टू और हाइट है हमारी थ्री देखिए पॉइंट हटाया नीचे एक जीरो लग गया सेवन वन जो सेवन सेवन फाइव ज थर्टी फाइव फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन टू से टू कैंसिल हो गया तो ये आ गया फोर्टी फोर मीटर क्यूब आ गया राइट right? इतना पानी भरा था तो हमारा वॉल्यूम ऑफ रूफ किसके इक्वल आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल आया क्योंकि जितना पानी रूफ पे था उतना पूरा सिलेंडर में आ गया है अब रूफ का वॉल्यूम कितना आया था दैट इज 880 एट्टी एच और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया 44 तो एच कितना आ गया फोर्टी फोर अपॉन एट एट्टी तो ये कितना आ गया फोर्टी फोर वन जो फोर्टी फोर फोर्टी फोर टू जो एंड ज़ीरो तो हाइट आ गई हमारी वन अपॉन ट्वेंटी मीटर लेकिन हमें इसे सेंटीमीटर्स में चेंज करनी है तो सेंटी में करने के लिए हम इन टू टू हंड्रेड कर सकते हैं क्योंकि वन मीटर इक्वल्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर होता है तो हमने बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में करने के लिए इन टू हंड्रेड कर दिया तो देखिए जीरो से ज़ीरो कैंसिल हुआ टू वन जो टू टू फाइव जो टेन तो हाइट कितनी आ गई हमारी फाइव सेंटीमीटर तो हमारी हाइट आ गई रेनफॉल की फाइव सेंटीमीटर इज द आंसर